गाइज, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ एजी न्यूज में। आज बहुत ही बड़ा मामला आपके सामने हम लोग लेके आए हैं, जहां पर लॉकडाउन तोड़ के काफी सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए एक ही साथ जुट गए हैं। चलिए जानते कहां से ये मामला आ रहा है, पुलिस ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है, उसके बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए जल्द से जल्द हम नोटिफिकेशन नेक्स्ट न्यूज की आप तक भेज पाए। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है और उस दौरान ही 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई है, जल्द से जल्द ये जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। पर आप लोगों को पता है कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि नमाज पढ़ने के लिए अगर आपको नमाज अदा करनी है तो आप घर में अदा कीजिए, वहाँ पर मस्जिद में ना जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन लगा हुआ है। पर काफ़ी सारी जगहों पर आप लोगों को पता है कि तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए काफ़ी सारे केस आए हैं। 9000 से भी ज़्यादा लोगों को अभी क्वारंटाइन कर दिया है और उस दौरान ही उनको आइसोलेट भी किया गया, जिन लोगों में अभी कोरोना वायरस के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारे सामने पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद से बहुत ही बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर एक मस्जिद में काफ़ी सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे। जब पुलिस वालों को इसके बारे में पता चला कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, तब पुलिस वहाँ पर पहुँची और पहुँचने के बाद उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो किसी ने भी आनाकानी नहीं की, पर उन्होंने इनको वार्निंग ये दी है कि अगर उन्होंने दोबारा से भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आगे। तो गाइस, भगवान का नाम लेना, अल्लाह का नाम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मुश्किल टाइम में, ये पता है, सबको पता है भगवान अल्लाह हर जगह पर है, आपके घर में है, आपके दिल में है। सबसे ज्यादा आपको दिल से याद करने की जरूरत है, ना कि मस्जिद में जाने की या तो मंदिर में जाने की, वहां पर पूजा पाठ करने की, क्योंकि ये टाइम है सिर्फ अपने घर के अंदर रहने का। और उस दौरान जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो कृपया यही हम आपके सामने यही चीज बोलेंगे कि प्लीज आप समझिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा संकट है जो कि हम सबको मिलके इस संकट को दूर भगाना है और अपने लोगों को बचाना है। अगर आप लोग किसी ऐसे संक्रमित लोगों के संपर्क में चले जाते हैं और उस दौरान ही आप अपने घर पर जाते हैं, तो आप अपने घर वालों को भी संक्रमित करते हैं। आपको सबसे खास बात ये चीज बता दें कि अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, और उस दौरान अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसकी बॉडी भी आपको दी नहीं जाएगी, यानी कि आप आखिरी दीदार भी नहीं कर पाएंगे अपने लोगों का। आपको इस बात से डरना है बस, और डरना है, आपके घर के अंदर रहना है, पूजा पाठ कीजिए, नमाज अदा कीजिए, अल्लाह सुनेगा, भगवान सुनेगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।